हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। और वॉशिंग मशीन तो हम डेली यूज़ करते ही हैं, ऑलमोस्ट सबके घर में यूज़ होता ही है, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग सा वीडियो। तो आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ, लिक्विड डिटर्जेंट एंड पाउडर सर्फ जो होता है उसके बीच का। तो लिक्विड डिटर्जेंट मैं ऐसे तो नॉर्मल कपड़ों में डालती हूँ, बट मुझे जब बेडशीट वगैरह डालने होते हैं तो मैं पाउडर सर्फ का भी यूज़ करती हूँ। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो पाउडर सर्फ भी यूज़ करते हैं एंड लिक्विड डिटर्जेंट भी यूज़ करते हैं। बट जब हम पाउडर फॉर्म को यूज़ करते हैं तो हमारे कपड़े में कहीं ना कहीं पाउडर का जो वो है फॉर्म रह ही जाता है। तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होता होगा कि जब भी हम ये सर्फ पाउडर डालते हैं तो कपड़े में कहीं ना कहीं ये चिपक जाता है, कहीं शर्ट में, पैंट में, कहीं ना कहीं वाइट वाइट और बहुत गंदा लगता है, ऐसे कपड़ा क्लीन होता है। तो अब जब भी आप कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालिए तो मैं यहाँ आपको एक टिप्स बता रही हूँ, वो यूज़ करके आप डालेंगी तो आपका जो कपड़ा है वो बहुत अच्छे से क्लीन होगा और लगेगा आपने लिक्विड डिटर्जेंट ही डाला है। तो चलिए वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने लिक्विड डिटर्जेंट का ही डब्बा ले लिया है, मेरा ये एम्प्टी हो गया है, तो इसी का मैं यूज़ करके पाउडर फॉर्म को लिक्विड बनाऊंगी एंड जब भी मुझे कपड़ा डालना होगा तो मैं इसी का यूज़ करूंगी। तो वो कैसे बनेगा तो चलिए दिखाती हूँ। एंड यहाँ मैंने कोई भी डब्बा ले लेना है, मैंने तो लिक्विड डिटर्जेंट वाला जो मेरा एम्प्टी हो गया था मैंने वो यूज़ किया है, बट आप कोई भी बॉटल ले सकते हो, इस तरीके से पानी का भी बॉटल आता है या घर में नॉर्मल जो भी बॉटल होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ये अवेलेबल है एम्प्टी ये डब्बा। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें डाल देना है एक स्पून सर्फ, मतलब आप अपने कपड़े में जितना भी सर्फ डालती हैं उतना आपको इसमें डाल देना है। डायरेक्ट आपको वॉशिंग मशीन कपड़े में नहीं डालना है वरना कपड़ा कहीं कहीं जो वाइट वाइट दिखता है ना वो हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस एम्प्टी बॉटल में डालना है जितना भी आप यूज़ करती हैं, तो मैंने एक स्पून भर के लिया है, मैं इतना यूज़ करती हूँ। एंड इसके बाद आपको डाल देना है इसमें पानी, तो इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है। एंड जब भी आप अपना कपड़ा डालिए वॉशिंग मशीन में तो इसी टिप्स के साथ ही डालिए। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 कप पानी और इसके बाद आपको बहुत ही टाइट इसे क्लोज कर लेना है एंड 2 मिनट के लिए लगातार आपको फास्ट फास्ट इसे शेक कर लेना है ताकि जो पानी है एंड सर्फ है वो मिल जाए, पाउडर सर्फ है वो लिक्विड में ना बदल जाए। और मैं इसे बहुत ही फास्ट फास्ट कर रही हूँ ताकि ये लिक्विड में आ जाए और देखिए इसमें पूरा झाग आ गया है। तो चलिए चलते हैं अपने वॉशिंग मशीन की तरफ। एंड इसमें मैंने डाल दिया है सारा कपड़ा और जो मैंने सर्फ डाल के पानी डाल के इसे शेक किया है ये वाला डिटर्जेंट भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए आपको कहीं भी पाउडर फॉर्म उतना नज़र नहीं आ रहा होगा, पूरा लिक्विड हो गया है। और जब मैं इस कपड़े को क्लीन करूँगी तो कपड़ा बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा एंड कहीं भी दाग, वाइटपन, कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा। तो आई होप आप जब भी अब कपड़ा डालेंगी तो ये वाले टिप्स अपना के डालिएगा, आपका भी कपड़ा बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।